एक बार इसमें फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो अबाउट ड्रग्स एंड ड्रग एडिक्शन। ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, उनकी विल पावर बाकी सब चीज़ों में तो बड़ी स्ट्रांग होती है, बट व्हेन इट कम्स टू ड्रग्स देयर विल पावर इज ऑफ नो यूज, दे जस्ट कैनॉट रिफ्रेन फ्रॉम इट। ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, दे आर नॉट बैड पीपल, दे आर नॉट मैड ऑल्सो, दे आर जस्ट सिक पीपल। लेकिन इनकी बीमारी कोई फ्लू या फीवर जैसी तो है नहीं कि दो चार दिन दवाइयाँ खाएं और ठीक हो गए। डॉक्टर एक्सक्यूज मी, सॉरी। नो इट्स ओके। अब इसके लिए सस्टेन्ड एफर्ट्स की जरूरत है, मरीज की ओर से, डॉक्टर की ओर से और मरीज के साथ रहने वालों की ओर से। अब पॉजिटिव रिजल्ट्स तभी पॉसिबल होते हैं जब पेशेंट का अपना मोटिवेशन हो। अगर पेशेंट खुद इस नशे की आदत से निकलना चाहता है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी जी समझ रहा हूँ। तो आप कल पेशेंट को लाइए। जी। कल सारा पी लिया क्या? अभी क्या करने का? पैसे भी नहीं है, बार बार जय को पूछना भी अच्छा नहीं लगता। अभी क्या करने का? रीमा यहां। कहां जा रही हो? ऐसे घूमने, फ्रेश एयर के लिए। रुमाल में क्या है? कुछ नहीं। रीमा मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। वो घड़ी मेरे पिताजी की है, मुझे वापस दो। कौन सी घड़ी? प्लीज रीमा, गिव द वॉच बैक टू मी। हाथ छोड़ो मेरा। लीव माय हैंड, व्हाट द हेल, आई एम नॉट अ थीफ। लीव माय हैंड। गिव मी द वॉच। माँ तुम यहां बैठी हुई हो और वहां वो आदमी तुम्हें ताजमहल देना चाहता है। एंड यू लाइंग हियर, व्हाट्स दिस? कम विद मी। पागल हो क्या? जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर। रीमा मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूं। यू नो मैंने बहुत सारी लड़कियों को फॉरेन में सेटल किया है। दे आर ऑल वेरी कंफर्टेबल देयर। बहुत आराम से सेटल्ड हैं, बहुत मजे की जिंदगी जी रही हैं। It's your chance, it's your opportunity. Make money. Seriously, you cute, you beautiful, make money. Go to hell. Main Jay ko chahti hu. I love him. Love him? What's love got to do with it? Ye love of kya hai bhai? It's all money.
मनी, आई थिंक यू आर राइट, देयर इज नो लव। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। वो साला तुम्हारा आंख में मिर्ची डाला, हम उसको कर दिया अंदर। हाय जय, हाउ आर यू? डैडी की घड़ी। शी इज अ थीफ। नशे के वास्ते बाबा का घड़ी। क्या कर रहा है तू अपनी लाइफ को? हाँ, थिंक। कुछ तो बोलो, से समथिंग। गॉड, योर साइलेंस इज किलिंग मी। चाहो तो मारो मुझे। ये लो, इसे मारो। चप्पल पहन लो। थैंक्स। इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस, मगर मैंने बहुत सारी लड़के लड़कियों को सड़ते मरते देखा है ड्रग्स के चक्कर में। तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें छोड़ना है तो ठीक है, नहीं तो समझी। क्या समझी? हाँ, छोड़ना चाहती हो या नहीं? छोड़ना चाहती हूँ। Twice I've tried, लेकिन छूटता ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि ये मेरे पिताजी की घड़ी है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ, not as a gift, पर तुम्हें याद दिलाने के लिए कि नशे के चक्कर में इंसान क्या क्या कर सकता है, चोरी भी। I'm Reema. आप ब्राउन शुगर के ट्रीटमेंट के लिए आई है? मुझे भी 6 साल से ब्राउन शुगर का एडिक्शन था, फिर मैं यहाँ के एडमिट हुई, 1 महीना मेरा इलाज चला, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी ठीक हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर वालिया। यस। यू कैन सी द डॉक्टर नाउ। जी। ये दवाइयाँ आज ले लेना, और आज रात को भी नींद ना आए तो कल डोज चेंज करेंगे। सिस्टर, इन्हें ले जाओ। प्लीज कम। थैंक यू डॉक्टर। ये रीमा। हेलो रीमा।
आई एम डॉक्टर अनीता राव। कब से करती हो तुम ये नशा? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कॉन्फिडेंशियल। बताओ कब से करती हो तुम ये नशा? 6 महीनों से। कौन सा नशा करती हो? जो मिलता है, मेनली ब्राउन शुगर। क्यों छोड़ना चाहती हो तुम नशा? डॉक्टर, नशे की वजह से मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। किसी ने मुझे इसे छोड़ने के लिए नहीं कहा। Nobody bothered whether I live or die. सिर्फ इन्होंने मुझे समझाया, सहारा दिया। He asked me to quit. मैं इनके लिए कुछ भी करूंगी। Very good. तो ठीक है, आज से तुम कोई नशा नहीं करोगी, सब कुछ छोड़ना होगा। All right? मैं भी नशा छोड़ना चाहती हूँ डॉक्टर, लेकिन अगर मैं नशा नहीं करती तो मेरे हाथ कांपने लगते, गला सूखने लगता है। I become very... मैं समझ सकती हूँ, किसी भी किस्म का नशा छोड़ना इतना आसान नहीं होता, बट अगर तुम चाहती हो तो इसे छोड़ा जा सकता है। बट यूल हैव टू फाइट विथ योर क्रेविंग्स, यूल हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ये कुछ मेडिसिन है, जब भी तुम्हारे हाथ कांपे या गला सूखे इन्हें ले सकती हो। ओके रीमा, कैन यू प्लीज वेट आउटसाइड फॉर सम टाइम? एक जरूरी बात, शायद आपको पता ही होगा, रीमा जैसी लड़कियां ब्राउन शुगर कहीं भी छुपा कर रख सकती हैं। यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल विथ हर। आपको उसकी तलाशी लेनी होगी, उसका बैग, उसके कपड़े, एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं ट्रीटमेंट शुरू कर देती हूँ। इट विल टेक 4 वीक्स। थैंक यू।